गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आपको लास्ट वाला टॉपिक क्लियर है। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। इसमें हम कंस्ट्रक्शन सीखेंगे कि किसी भी लाइन और या लाइन सेगमेंट को कैसे बाइसेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर का मीनिंग पता होना चाहिए कि हमने किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो उसका क्या मतलब है। उसका मीनिंग है कि हमने उस लाइन के ऊपर एंगल ड्रॉ करना है किस डिग्री का, 90 डिग्री का। बट हमने ये प्रोटेक्टर यूज़ करके, डी यूज़ करके नहीं करना, ये हमने रूलर, दैट मीन्स हमारा स्केल और कंपास यूज़ करके हमने ड्रॉ करना होगा। सो इसके ये स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स को फॉलो करके आप ये ड्रॉ कर सकते हो। आपको अपनी SB13 पर इसके स्टेप्स भी मिल जाएंगे और साथ साथ आप, मैं ये ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी और साथ साथ आपने इसको फॉलो भी करना है। और ये हम लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन और लाइन सेगमेंट में भी एक डिफरेंस होता है, दैट लाइन का हमें ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है ना ही एंड पॉइंट पता होता है। हम बहुत साइड उसे किसी भी वे में एक्सटेंड कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट है उसका हमें स्टार्टिंग भी पता होता है और एंड पॉइंट भी पता होता है। सो हम उन दोनों को, लाइन एंड लाइन सेगमेंट को, हम कैसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू यूज योर कंपास एंड रूलर। ओके, नाउ फॉलो द स्टेप्स। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हमने ड्रॉ करनी है अ लाइन। एल किसको यूज़ करते हुए, रूलर को। सो सबसे पहले हम रूलर को यूज़ करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आप किसी भी लेंथ की लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कंपल्शन नहीं है कि हमने इस लेंथ की ड्रॉ करनी है। किसी भी लेंथ की आप, फॉर एग्जांपल ऐसे लाइक लाइन कर दो ड्रॉ, जैसे कि ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। इस लाइन को आपने ड्रॉ करने के बाद, अब इसका सेकंड स्टेप क्या है, हमने मार्क करना है पॉइंट पी ऑन इट। इस लाइन के ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट है मार्क कर लो, जिसको हम नेम दे रहे हैं पी। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने ड्रॉ करनी है एन आर्क। आर्क मीन्स एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे दैट इंटरसेक्ट द लाइन एल। इस एल लाइन को वो इंटरसेक्ट करेगा ए और बी पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल आपने ये पी पॉइंट मार्क किया, इस पर आप अपनी कंपास की नीडल प्लेस करोगे और इसके ऊपर आपने एक सेमी सर्कल, दैट इज आर्क, ड्रॉ करनी है ताकि वो इस एल लाइन को क्या कर पाए, दो डिफरेंट पॉइंट पर कट कर पाए। सो आप इस तरह से डॉटेड लाइन में आप एक सेमी सर्कल इसके ऊपर ड्रॉ कर दो। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो लाइन के ऊपर, जहाँ ये एल लाइन को टच किया है, इसी इस सर्कल को, इस आर्क को आप नेम दे दो ए एंड बी। दोनों को नेम दे दिया। अब हमारा फोर्थ स्टेप है, एक्सटेंड द लेग्स ऑफ कंपास टू द टू अ लेंथ लॉन्गर देन ए बी एंड पी बी। क्या मीनिंग है इसका, कि जो हमने अभी ए एंड बी पॉइंट इसके ऊपर सर्कल को टच करके, लाइन ने टच, सर्कल ने टच किए हैं लाइन के ऊपर, अब इन दोनों प्लेस पॉइंट्स के ऊपर आपने अपनी कंपास की नीडल प्लेस करनी है और आप इसे इस लेंथ से, पी ए लेंथ से ज़्यादा ओपन करेंगे, लॉन्गर ओपन करके आप एक आर्क लगाएंगे अबव, एक आर्क लगाएंगे हम डाउन। वेट, आ सकते हो, डाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आपने इस ए पॉइंट पर नीडल रखी, आपने इस पॉइंट पी पॉइंट से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क लगाई। अब आप सेम इसी तरह बी पॉइंट पर रखोगे नीडल कंपास की और एक आर्क लगाओगे। आपने ये दोनों आर्क ऐसी लगानी है ताकि ये दोनों आपस में क्या कर पाएँ, इंटरसेक्ट, लाइक दिस। ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर पाए। जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट की हैं, आप उसे इस पी पॉइंट जो आपने सबसे पहले मार्क किया था रूलर की मदद से, आप उसे आपस में मैच, लाइन ज्वाइन करवा देंगे इसके ऊपर। सो ये लाइन ज्वाइन होने के बाद आप इसे नेम दे दो ओ। ये हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया 90 डिग्री का ऑन अ लाइन। सो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए और इस तरह से आप एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट हम अब लाइन सेगमेंट को रूलर और कंपास के साथ बाइसेक्ट करना सीखेंगे। सो फॉर दैट
यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पेज. ओके, सबसे पहले मैंने आपको लाइन और लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्लियर करवा दिया है. लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता होता है एंड एंड पॉइंट भी पता होता है. सो हमने इसको क्या करना है, बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है कि इस लाइन सेगमेंट को हम टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, हाफ करेंगे. उसे बाइसेक्ट करना मीन्स हाफ करना. सो उसके भी सेम स्टेप्स, बस इसमें एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि लाइन की हमें लेंथ गिवन नहीं होगी. हम किसी भी लाइन को हाफ कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट है जो, उसकी हमें लेंथ गिवन होगी. हमने उसी लेंथ को आपने बाइसेक्ट करना होगा. सो सबसे पहले हमने किस लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो सबसे पहले आप रूलर की हेल्प से 10 सेंटीमीटर का एक बाइसेक्ट एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो 10 सेंटीमीटर का. ये रहा 0 और 0 से ये रहा 10 सेंटीमीटर. सो 10 सेंटीमीटर आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे और उसको नेम दे दो ए बी. ये यहाँ ए बी जो हमारा 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. अब सेकंड स्टेप, लाइन को जब हमने हाफ करना था तो हमने उसके एक सेंटर में पॉइंट मार्क किया था, फिर हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था. बट लाइन सेगमेंट के लिए हमें सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. जो इसका एंड पॉइंट है, क्योंकि लाइन में हमें एंड पॉइंट नहीं पता थे, बट लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट हमें पता है. सो आप इन दोनों लाइन सेगमेंट पर पहले ए पर कंपास की नीडल प्लेस करके हाफ से ज़्यादा आपने इसको एक्सटेंड करना है कंपास को. ये देखो, हाफ से ज़्यादा एक्सटेंड करके आपने वन आर्क प्लेस करनी है अबव और वन आर्क लगानी है आपने बिलो. इस लाइन सेगमेंट के एक लाइन आर्क अबव, एक लगानी है बिलो. अब दूसरी पॉइंट पर हम कंपास की नीडल प्लेस करेंगे जो कि है बी. बी पर रख के भी एक सेम आर्क आप लगाओगे अबव, एक आर्क लगाओगे आप बिलो. ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर गए. इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए हैं, इस दोनों पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किए हैं, आप रूलर की हेल्प से दोनों पॉइंट को क्या करवा दो, ज्वाइन. दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवाने के बाद इस तरह से ये हमारा ड्रॉ हो गया लाइन सेगमेंट. ध्यान से देखो, हमारी टोटल लेंथ थी लाइन सेगमेंट की 10 सेंटीमीटर. ये हमारा लाइन सेगमेंट है, दैट मीन ये लाइन को इस पॉइंट पर टच किया है ओ. ये जो ओ ए की लेंथ होगी वो ओ बी के क्या होगी, इक्वल, क्योंकि हमने हाफ बाइसेक्ट ड्रॉ किया. आप रूलर की मदद से चेक भी कर सकते हो. देखो, सबसे पहले हम ओ से ए से ओ चेक कर रहे हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर की है. और दूसरी साइड अगर आप ओ से ए चेक करोगे, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. दैट मीन हमारा ये लाइन सेगमेंट बिल्कुल करेक्ट है. आई होप सो आप दोनों लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना एंड लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सो आप अपनी बुक पर आपकी एस बी 17 पर आपको इन्हें जो क्वेश्चंस सोल्व करने हैं वो 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6. इन क्वेश्चंस को आपने अपनी रूलर और स्केल की हेल्प, रूलर एंड कंपास की हेल्प से आपने सोल्व करना है. आई होप आपको समझ में आया होगा. इसके बाद आपको कोई डाउट हो सो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो. थैंक यू.